चल 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 तो कोई वो नहीं है। तो भाई साहब अभी गुप्त काशी में आ गए हैं और देखो वायरल बॉय हमारे साथ है, है ना? वायरल बॉय ने कुछ बोलेंगे आज, आज कल... क्या बोलना, हालत खराब हो रखी भाई आज का। आजकल बोल ही नहीं रहा वायरल बॉय कुछ, क्योंकि इनकी हालत ऐसी खराब हो रखी है। अभी दिखाएंगे क्यों हो रखी है, कैसे हो रखी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। आगे ब्लॉग में आता रहेगा और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों हालत खराब हो रखी है, है ना? हाँ जी जी, मिलेंगे बाद में, अभी ब्रेक के बाद। Thank you.
तो दोस्तों आज केदार बाबा की डोली निकल चुकी है ओंकारेश्वर मंदिर से और अभी अभी गई है। तो ये देख सकते हो जाम लगा हुआ पीछे तक बहुत ही ज़्यादा, तो गाड़ियाँ एक एक करके निकल रही हैं और अभी अभी डोली निकल चुकी है। आज ओंकारेश्वर मंदिर से केदार बाबा की डोली निकल चुकी है और दोस्तों अभी अभी निकली है ऊपर गुप्त काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ के लिए। और ये देख सकते हो गाड़ियों का जाम लगा हुआ है पीछे तक और पीछे से आ रही है, देख सकते हो पीछे उधर की तरफ सारी गाड़ियों का जाम एक एक करके निकल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रशासन अभी जा ही रहा है। दोस्तों अभी मैं हूँ गुप्त काशी में और आज बाबा केदार की डोली आज 21 तारीख है और निकल चुकी है। आज विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रहेगी और इसके बाद कल पाटा में, तो अभी निकल गई है डोली यहाँ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी सुबह के लगभग 11:30 से 12 बजे का टाइम हो चुका है और दोस्तों अभी मैं गुप्तकाशी से आ रहा हूं और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा आज 21 तारीख है और बाकी आगे का सीन आपने देख लिया होगा। बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है गुप्तकाशी में और आज गुप्तकाशी में रुकेंगे और उसके बाद कल निकलेंगे फाटा के लिए, उसके बाद गौरीकुंड से फिर केदारनाथ और केदारनाथ में 25 तारीख को सुबह 6:10 पे कपाट खुलेंगे। तो दोस्तों आप भी जा सकते हो। बाकी दोस्तों इंट्रो का पार्ट रह गया था क्योंकि अभी सुबह मैंने स्टार्ट नहीं किया था ब्लॉग को और सुबह स्टार्ट नहीं कर पाया था तो डायरेक्ट गुप्तकाशी में गया था। तो गुप्तकाशी में मेरे को वायरल बॉय भी मिल गया था तो वो और मैं साथी में आए वहाँ से यहाँ तक और अभी मतलब अशोक और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे हूँ अपने रूम पे और अभी थोड़ा सा कुछ काम और भी है तो वो भी करेंगे, उसके बाद देखते हैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते रहेंगे जहाँ पे मैं हूँ आजकल। दोस्तों हेयर कटिंग वगैरह भी कर दी थी मैंने आज वहाँ पे, थोड़ी सी टाइम मिला था और हेयर कटिंग वगैरह कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी मतलब शेविंग भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी और बाल भी, तो इसलिए मैं मतलब कटिंग वगैरह करा के आया और कटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है, 100 रुपीज़ ले रहे हैं बताओ, बहुत ही ज़्यादा महंगा मतलब। तो चलो कोई नहीं, ले लिया, बाकी देखते हैं।